नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जमीन या किसी तरह की संपत्ति को खरीदने वक्त सजग रहना जरूरी होता है, खासकर अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि जमीन खरीदना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। काफी संघर्ष और मेहनत के बाद एक एक पाई जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाने की चाहत रखने वाले आम लोगों को किसी भी संपत्ति को खरीदने से काफी सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ठगबाज लोग इस खरीद बिक्री के बिजनेस में घुस गए हैं, जो कई बार लोगों को आसानी से ठग लेते हैं, उन्हें किसी और की रजिस्ट्री की जमीन भी बेच देते हैं, तो वहीं कई बार ऐसी जमीन बेच देते हैं जिस पर घर बनाने की इजाजत भी नहीं होती। ऐसे में इन सब धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। जमीन खरीदने वक्त आपको इन बेहद जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप जमीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो बेचने वाले से रजिस्ट्री से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लेने चाहिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह जमीन कितनी बार खरीदी या फिर बेची गई है और कितनी बार इसे खरीदा गया है। यहाँ एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई अपनी निजी जमीन को बेच रहा हो तो आपको जमीन बेचने वाले से उनका असली पहचान पत्र की फोटोकॉपी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री के कागज से उसकी पहचान जरूर करें। साथ ही साथ वह अगर किसी कंपनी से खुद को ऑथराइज बता रहा हो तो उसके भी पेपर की जांच करें, या फिर बेचने वाले के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं उसे भी चेक कर ले। पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे मुख्तारनामा या फिर अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई आदमी विदेश में रह रहा है और उसकी कोई अचल संपत्ति भारत में है, या किसी संपत्ति का मालिक इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी संपत्ति से जुड़े किसी मामले के लिए इधर से उधर सफर कर सके और वह व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को वहां से बेचना चाहता है, तो उस संपत्ति को बेचने के लिए उस व्यक्ति को भारत में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना होगा, जो उस व्यक्ति के नाम पर उस संपत्ति को बेच सके। ऐसे में आप उसके अधिकार पत्र को अच्छे से जांचना परखना ना भूले। अगर आप खेती के लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं तो उसे राज्य सरकार के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग से वेरीफाई जरूर करवा ले। अगर जमीन खरीद कर घर बनाना चाहते हैं तो यह जरूर जांच ले कि उस प्लॉट पर घर बनाने की परमिशन ऑर्डर है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बेचने वाला आपको कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल यूज की जमीन को बेच देता है और आपको बाद में पता चलता है कि उस जमीन पर घर बनाने के ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए जमीन खरीदने के वक्त यह ध्यान जरूर रखें कि अगर जमीन को खेती, आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रयोग तीनों के लिए अप्रूवल मिला हो तो आप उस क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय में जाकर जमीन के नक्शे के अप्रूवल के बारे में सही सही जानकारी ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह जानकारी सही है। अगर आप टाउनशिप एरिया में जमीन या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से उस टाउनशिप के बारे में जांच पड़ताल कर ले, या फिर आप एक छोटा सा ही सही मगर एक बैंक लोन उस प्लॉट के नाम से जरूर ले लीजिए, क्योंकि बैंक ग्राहक को लोन देते वक्त सबसे ज्यादा और पुख्ता जांच पड़ताल करता है। उससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी के मामले में फंसने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक और सलाह है कि जब भी आप कोई जमीन लेते हैं तो इससे जुड़ा एक छोटा सा नोटिस न्यूज़पेपर में छपवा दे, ताकि भविष्य में कोई उस जमीन पर आपत्ति दिखाता है या फिर कोर्ट कचहरी का मुकदमा करता है तो आपका पक्ष कोर्ट में मजबूत रहेगा, क्योंकि आप विज्ञापन करके सबों के सामने इस बात की जानकारी पहले ही दे चुके होंगे कि वह जमीन आपने बकायदा खरीदी है। तो आप इन जरूरी बातों का ख्याल प्लॉट को खरीदने वक्त जरूर रखें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखना चाहेंगे। हम अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।